हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैंकिंग लॉ का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपका यूनिट टू का पार्ट है। यूनिट टू का एक पार्ट है जिसका नाम टाइप्स ऑफ कस्टमर्स है। इसमें आज आपको हमारा जो मेन एजेंडा है वो है टाइप्स ऑफ कस्टमर। उसके साथ हमको एक जो चीज़ देखनी है वो है पासबुक। पासबुक क्या होती है वो चीज़ अभी आपको मैं समझाऊंगी, या फिर आपने नॉर्मल लाइफ में उस चीज़ को देख भी रखा होगा कि भाई पासबुक होती क्या है। और जो दूसरा हमको देखना है टाइप्स ऑफ कस्टमर, मतलब ग्राहक के प्रकार। और लास्ट जो इसमें है रेफरेंसेस। तो पासबुक होती क्या है? पासबुक इज अ स्मॉल हैंडी बुक इशूड बाय अ बैंकर टू हिज कस्टमर टू रिकॉर्ड ऑल द डीलिंग्स बिटवीन देम। मतलब पासबुक एक छोटी सी आसान पुस्तिका है जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को उनके बीच सभी व्यवहारों को रिकॉर्ड करने के लिए जारी की जाती है। इनफैक्ट इट इज़ द ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट इन द अकाउंट बुक्स ऑफ द बैंकर। मतलब पासबुक के भी बचत खाते के नियंत्रित करने वाले नियम और विनियमन भी शामिल हैं। द पासबुक ऑल्सो कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द सेविंग बैंक अकाउंट। द कस्टमर डिपोजिट द पासबुक पीरियडिकली विद द बैंक फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज देयर इन। द पासबुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर बिकॉज इट एनेबल्स हिम टू नो सम ऑफ द एंट्रीज मेड बाय द बैंकर्स इन दिस लेजर अकाउंट। एग्जाम्पल द अमाउंट आर इंटरेस्टेड अलाउड और चार्ज इंसिडेंटल एंड अदर चार्जेस मेड बाय बैंकर। मतलब ग्राहक प्रविष्टियों के दर्ज करने के उद्देश्य के से पासबुक समय समय पर बैंक में जमा कराता है। एक पासबुक एक ग्राहक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उससे बैंकर द्वारा खाते में की गई कुछ प्रविष्टियों को जानने के सक्षम बनाता है, जैसे कि ब्याज की राशि की अनुमति या चार्ज या आकस्मिक या बैंकर द्वारा दिए गए अन्य शुल्क। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बैंक टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू में या फिर हम देखते हैं। तो इससे पहले हमने जो कवर किए थे टॉपिक्स, उसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो हमने क्या किया था, एक तो जो टॉपिक कवर किया था वो था टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमारे बैंक कितने तरह के, बैंक में कितने तरह के अकाउंट्स हैं, उसमें हमने एक और पढ़ा था ओपनिंग ऑफ अकाउंट और दूसरा क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये दो चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी थी और चार टाइप के हमने अकाउंट्स को कवर किया था। इसके अलावा हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो बैंकर और कस्टमर का रिलेशन, जो कि जनरल भी था और एक स्पेशल था। ठीक है, ये हम टॉपिक कवर कर चुके हैं कि भाई आपने अभी तक क्या पढ़ा। और जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हमको जो दो चीज़ें देखनी है, उसमें हमें जो दो चीज़ें देखनी है, एक देखनी है पासबुक क्या होती है, और दूसरा देखना है टाइप ऑफ कस्टमर, ग्राहक के प्रकार, एक बैंक में कौन कौन से ग्राहक होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो भाई पासबुक क्या होती है। पासबुक क्या होती है, एक बुक होती है, एक सिंपल बुक होती है जो कि एक बैंकर और एक कस्टमर, मतलब ग्राहक और बैंकर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी एक एंट्री, कौन से में, तो सेविंग अकाउंट में। ठीक है, जब कस्टमर मेरा अकाउंट बैंक में है, सेविंग अकाउंट है, तो मेरे और बैंक के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे, तो आपको एक बुकलेट इशू की जाती है जिसमें आपके क्या होता है, सारे डिटेल्स होती है कि बैंक क्या चार्जेस लगा रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है आपको, या कोई जैसे अदर चार्जेस जो होते हैं चार्जेस भी, या फ़ोन चार्जेस जैसे मैसेज चार्जेस आते हैं, इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस होते हैं, उसके अलावा अगर आपका नॉन मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ये सारे चार्जेस लगाना, या फिर हमको इंटरेस्ट वो दे रहा है,
तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, जब बैंक कस्टमर से लेता है या कस्टमर बैंक बैंकर से क्या करता है, पेमेंट लेता है या देता है, वो सारी चीज़ें एक बुक के अंदर शो होती है जो कि पासबुक कहलाती है। आज के डेट में जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हम जब खुलवाने जाते हैं उस टाइम वो आपको चेकबुक भी देता है, एटीएम कार्ड भी देता है और एक पासबुक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि होती क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर कलर की होती है जिसमें आपके आगे डेट का होता है, फिर बीच में क्या क्या हमने ट्रांजेक्शन्स की है, वो डेबिट कितना हो रहा है, क्रेडिट कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आती है, लास्ट में बैलेंस इतना बचा हो। तो ये इस तरीके की कॉपी होती है जो कि बैंक कस्टमर को देता है, ठीक है। अब जो देखिए, जैसे आप इधर फोटो में देख रहे हैं, दो तरह की फोटोज़ हैं, उसमें आप जो देख रहे हैं कि भाई कस्टमर या फिर बैंक का क्या सीन है या फिर कैसे वो पासबुक होती है, तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये एक पासबुक का फ्रंट है, ये पासबुक के फ्रंट है जिसमें हमने सेविंग अकाउंट लिखा है। CIF नंबर क्या होता है, तो CIF कस्टमर रिलेशन नंबर होता है, कस्टमर को, हर एक कस्टमर को दिया जाता है। उसके बाद इधर आपका है अकाउंट नंबर, फिर कस्टमर नेम, फिर जिसके जैसे सन है, डॉटर है, वाइफ है, हस्बैंड है, सॉरी हस्बैंड या फादर का नेम जो होता है वो, फिर एड्रेस, फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल ID, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप सिंगल मैरिटल हैं या सिंगल हैं, नॉमिनेशन नेम, ये फिर बैंक का जहाँ पे वो है, बैंक खुद है, फिर उसका फ़ोन नंबर, मेल ID, उसका ब्रांच कोड होता है, उसकी डेट ऑफ इशू की भाई कब मैंने इशू किया, ये सब इसमें आपके पासबुक के फ्रंट पेज में आता है। उसके बाद जैसे इस फोटो में अगर आप देख रहे हो कि भाई इस फोटो में मैंने आपको जैसे बताया, ये जो कॉलम है आपका वो क्या है, ये कॉलम आपको किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो ये डेट का कॉलम है। और इसमें जैसे आप देख रहे हो कि भाई कैश डिपॉजिटेड, फिर ये इसने रामगढ़ उज्ज्वल को पेमेंट किया, फिर चार्जेस लगे, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके क्या हो रहा है इसमें शो होती है। ये आपका डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। और ये जो बैलेंस आपका होता है ये वो चीज़ शो करता है, ठीक है। ये चीज़ आप उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले PPT में देख रहे हैं, नेक्स्ट वाले PPT में अगर आप देखेंगे कि ये पासबुक की कुछ बुक्स हैं, ये पासबुक यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने और SBI बैंक, इन लोगों ने क्या किया है पासबुक के लिए, पहले क्या बैंक्स में जाकर आपको पासबुक प्रिंट करवानी पड़ती थी, पर बाद में क्या किया बैंक्स ने, क्या किया कि बाद में कभी भी आप करवा सकते हो प्रिंट के बाहर ही, एक जैसे ATM मशीन लगाई उसी तरह के पासबुक की मशीन है, जिस तरीके से आप इसमें देख रहे हो, ये वाली, ये जो अंकल हैं, भैया हैं, जो भी, वो अपने पासबुक यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, वो सारे डिटेल्स इसमें डालते हैं, फिर वो पासबुक डलेगी, वो फिर प्रिंट होकर खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। और एक जो ये वाली फ़ोटो देख रहे हो, ये बैंक्स के पास होती है, जो बैंक क्या करता है आपको, बैंक अगर आप बैंक में जाते हो भाई, समझ लो कि कोई भी बैंक है जिसमें पासबुक एंट्री नहीं होती है, बाहर ऐसे नहीं बना रखा है, तो उसमें क्या होता है कि बैंक वाले खुद ही करते, तो ये प्रिंटिंग मशीन वो है कि भाई वो यहाँ से डालते हैं, फिर वो पूरा कंप्यूटर से क्या करते हैं, कनेक्ट करा हुआ होता है जो कि कंप्यूटर से पूरा आपका क्लियर आउट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या हो गई, ये पासबुक हो गई। अब पासबुक के बाद हमको जो नेक्स्ट देखना है वो क्या देखना है, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर कितने टाइप के हैं। तो हमको 7 तरह के कस्टमर्स के बारे में कवर अप करना है कि भाई माइनर, लुनेटिक, इलिटरेट, मैरिड, ड्रंकन, पारदर्शनी वुमेन्स एंड इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं, ये ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि स्पेशल कस्टमर्स हैं, मतलब आप नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, हम लोग कस्टमर्स तो हैं, बट क्या होता है कि हमसे कुछ स्पेशल कस्टमर्स जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं वो टाइप के। तो टाइप्स में सबसे पहला जो आपको देखना है वो है माइनर,
मतलब अव्यसक, दूसरा लुनेटिक मतलब पागल, तीसरा ड्रंकर मतलब शराबी, चौथा इलिटरेट मतलब अनपढ़ जो होते हैं वो भी होते हैं, फिर शादीशुदा औरतें, उसके बाद पारदर्शनी वुमेन्स मीन्स जिनके पर्दा होता है वो वाली वुमेन्स जो होती हैं, क्योंकि उनका फेस तो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर एक आपका इंसॉल्वेंट जो देवा जो भिखारी हो चुका है वो। ठीक है, ये 7 तरह के टाइप कस्टमर्स हैं आपके जो कि आपको पढ़ने हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता था, 7ों पॉइंट को भी आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दोगे तो भी कवर अप हो जाएगा। 10 मार्क्स का आता है तो भी हो जाएगा, या फिर 10 मार्क्स में पूछ ले कि भाई लुनेटिक और ड्रंकर्ड के बारे में बताओ, या माइनर और वो पारदर्शी इंसॉल्वेंट इलिटरेट के बारे में बताओ। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे, जिसके 2 मार्क्स से क्वेश्चंस भी बनते हैं कि भाई माइनर कौन होता है, ड्रंकर्ड क्या होता है। ये चीज़ें अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है उसमें आपको माइनर के बारे में पता होगा, लुनेटिक के बारे में, इंसॉल्वेंट के बारे में भी पता होगा, इलिटरेट नॉर्मल ड्रंकर्ड इज ऑल्सो के बारे में भी आपको क्या होगा, पहले से पता होगा कि वो लोग क्या होते हैं। अब इसमें हमको जो देखना है कि बैंक का ये कस्टमर किस तरीके से बनते हैं और कब बनते हैं। ठीक है, माइनर सबसे फर्स्ट है माइनर अव्यसक, मतलब माइनर आर कंसिडर वन अ स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर इन अ बैंक। अ पर्सन हु इज नॉट 18 ईयर एज इज कंसिडर्ड अ माइनर एंड देयर फॉर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर, बैंकिंग कस्टमर। माइनर हैज टू हैव टू अ पेरेंट और अ गार्जियन टू हेल्प देम इन ओपन इन बैंक अकाउंट। अ माइनर कैन बोरो मनी बट ऑफन मोस्ट ऑफन नीड टू कोसाइनर सच इज गार्जियन और अ पेरेंट। अ माइनर इज द मोस्ट बैंक कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द ट्रस्टी ऑफ एनी अकाउंट। मतलब अव्यसक को बैंक में एक प्रकार के विशिष्ट ग्राहक माना जाता है, एक व्यक्ति जिसका आयु 18 वर्ष नहीं है जो अव्यसक माना जाता है, और इसलिए वह एक विशेष प्रकार की बैंकिंग ग्राहक है। अव्यसक के पास बैंक खाता खोलने की मदद करने के लिए उसके माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। एक अव्यसक पैसा उधार ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर अभावक जैसे अभिभावक या माता पिता की ज़रूरत होती है। अधिकांश बैंकों में एक नाबालिग को भी किसी भी खाते की ट्रस्टी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अभी हमने मैंने बताया कि इतने तरह के पढ़ने, तो इसमें हमको जो सबसे पहला देखना है वो देखना है माइनर। माइनर होता क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा था माइनर क्या होता है। तो माइनर अव्यसक क्या होता है? तो माइनर वो होते हैं जो कि 18 इयर्स की एज कंप्लीट नहीं की हो, मतलब 18 साल की उम्र जिसने पूरी नहीं की है वो कौन होते हैं? माइनर मतलब अव्यसक होते हैं, जो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं अभी। और वो जब अकाउंट खोलते हैं, उनको अकाउंट खोलने के लिए जो एक साथ में चाहिए होता है, या तो कोई गार्जियन होता है मतलब अभिभावक होता है, या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं मतलब माता पिता होते हैं। मीन्स जब भी हम जैसे कि किसी ने 18 साल की उम्र नहीं करी है उसको बैंक में अकाउंट खुलवाना है। अक्सर अगर आपने देखा होगा कि बच्चे जो 12th पास होते हैं, कुछ 17 साल की उम्र में 12th पास कर लेते हैं, तो उनको 12th के बाद जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उसमें वो अकाउंट नहीं खुलवा पाते। तो इन दैट केस बैंक क्या करती है कि उनके पेरेंट्स को या उनका उनका कोई गार्जियन है, मान लीजिए कि उनके बुआ या फिर मामा या फिर मासी जो भी हैं, उनको गार्जियन बनाकर वो अकाउंट खुलवा देते हैं। फिर वो 18 के हो जाते हैं ना, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उनको ही पूरा होल एंड सोल कर देते हैं। इन दैट केस
माइनर में यही चीज़ होती है कि जब अकाउंट खुलवाना है तो गार्जियन या पेरेंट्स ही होनी ज़रूरी है। माइनर जो होता है वो लोन भी ले सकता है। लोन भी ले सकता है, बट इसमें भी एक चीज़ है कि जब वो लोन लेगा तो उसके पास कोसाइनर होना चाहिए। मतलब जस्ट लाइक एक गार्जियन या फिर एक पेरेंट होना ज़रूरी होता है जब वो लोन लेता है। माइनर को कभी भी ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही कमा नहीं रहा अभी तो। जब वो कमाना शुरू करता है तब उसको किसी का भी ट्रस्टी बनाओ, या फिर वो भी 18 इयर्स के बाद। ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रस्टी भी अगर बनाना होता है तो वो 18 साल के बाद ही बनाया जाता है। तो इन शॉर्ट माइनर क्या होता है, इसमें अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन माइनर एज अ स्पेशल कस्टमर, तो सबसे पहले कि माइनर होता क्या है, ठीक है? कि माइनर जो 18 साल की उम्र को पूरी नहीं कर पाया है अभी तक, वो माइनर होता है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि अगर माइनर अकाउंट खोल सकता है बैंक में किस तरीके से, जब उसका उसके साथ उसके गार्जियन या फिर पेरेंट्स मौजूद होंगे, फिर माइनर लोन ले सकता है, पर उसके लिए भी उसके पास कोसाइनर या फिर गार्जियन या फिर पेरेंट्स का होना ज़रूरी है जो उसके बिहाफ पे साइन करेंगे। उसके अलावा माइनर कभी भी ट्रस्टी नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसकी एज 18 ईयर कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो चीज़ उस ट्रस्टी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ क्या हो गई आपके माइनर की, माइनर होता गया है। अब जो नेक्स्ट देखना है मुझे, ये आपको पागल या फिर लुनेटिक, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड कैन नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सो द बैंकर शुड नॉट ओपन बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड, बट अ कस्टमर मे बिकम लुनेटिक आफ्टर ओपनिंग एन बैंक अकाउंट। मतलब बिना दिमाग के व्यक्ति एक वैध अनुबंध नहीं कर सकता, तो बैंक को बिना दिमाग के व्यक्ति के नाम से खाता नहीं खोलना चाहिए, लेकिन ग्राहक बैंक के साथ एक खाता खोलने के बाद पागल हो सकता है, ठीक है? माइनर समझ में आया आपको, माइनर क्या होता है? अब जो दूसरा देखना है मुझे, ये आपको पागल। पागल कौन होते हैं? तो पागल कौन होते हैं वो तो मैं आप सभी जानते हैं, जिसके माइंड मतलब जिसका माइंड क्या एक जगह स्थिर नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जिसका माइंड जो चीज़ समझनी चाहिए उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, और अपने ही मन में मतलब अनसाउंड माइंड, जस्ट लाइक कि बिना दिमाग का जो इंसान होता है उसको हम पागल कहते हैं। तो एक बिना दिमाग का आदमी कोई भी मतलब जो पागल होते हैं वो बैंक के साथ बैंक के कस्टमर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है नहीं कि वो अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, किस लिए खोल रहे हैं, अगर खोल भी रहे हैं तो क्यों खोल रहे हैं, उनको आइडिया नहीं होता उन चीज़ों, क्योंकि उनका दिमाग साउंड नहीं, उनका दिमाग सही नहीं होता है। तो इन दैट केस जो बैंक जो होती है, अगर वो बैंक उसके साथ कस्टमर का रिलेशन बनाती है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, मतलब अवैध हो जाता है। तो उस टाइम में वो कोई अकाउंट का कोई नहीं रहता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक जो होती है, बैंक जो होती है एक लुनेटिक पर्सन से अकाउंट कब खुलवा सकती है, जब उसका माइंड साउंड हो, मतलब जब उसमें दिमाग हो। मतलब मान लो कि आज मैंने 20 सितंबर 2015 में मैंने अकाउंट खोला, ठीक है? जब मैंने इस टाइम में अकाउंट खोला तब मेरा जो दिमागी हालत था वो बहुत सही था, मैं सब से समझ रही थी, मैं जॉब कर रही थी, सब कर रही थी। बट आफ्टर 5 ईयर्स सडनली मुझे मैं पागल हो गई। तो उस टाइम जो मेरा अकाउंट होगा वो क्या होगा, बैंक क्या करेगी उस चीज़ को बंद कर देगी, क्योंकि मुझे उस टाइम
अपने अकाउंट को चलाना या फिर मेरे को कोई भी साइन करवा दे, तो उस टाइम बैंक क्या करती है, जो उसका गार्जियन बनाया हुआ होता है या फिर जो उसका एक नॉमिनी होता है उसको पूरा चीज़ अलॉट कर देती है और उसके अकाउंट को वो वहीं पे बंद कर देती है। दैट ये चीज़ समझ में आई कि मैं पागल कभी भी बैंक के साथ कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बना सकता, पर जब बनाता है तो उस टाइम उसका माइंड क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, मतलब दिमाग उसका होना चाहिए, तब ही वो क्या करेगा, एक रिलेशन बना सकता है। पर अगर बैंक के साथ उसका ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है, उस टाइम कब चलेगा, जब उसका माइंड साउंड होगा, तो उसके बाद अगर वो बैंक अकाउंट खोलने के बाद वो पागल हो जाता है, इन दैट केस क्या होगा, वो पर्सन उस बैंक के साथ आगे उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। सेकेंड थर्ड आता है आपका इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन मतलब अनपढ़ आदमी। एक अनपढ़ आदमी एन इलिटरेट पर्सन मीन्स अ पर्सन हु कैन नॉट साइन हिज नेम वाइल ओपनिंग एन अकाउंट, सच पर्सन इज अनअवॉइडेबल, द बैंकर शुड ऑप्टेन। एक अनपढ़ व्यक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति अपना नाम पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति का खाता खोलने का अपराधी है। बैंकर को प्राप्त क्या करना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथोराइज बैंक ऑफिशियल, डिटेल ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क शुड नोटेड ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड। फिर आपका लास्ट, एटलीस्ट टू कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द एनी अकाउंट होल्डर ऑथोराइज बैंक ऑफिशियल, मीन्स कि खाता खोलने के लिए फॉर्म के बाएं अंगूठे का निशान और अधिकृत बैंक अधिकारी से उपस्थिति में हस्ताक्षर कार्ड। फिर पहचान के लिए निशान के विवरण नोट किए जाने चाहिए, खाता खोलने के लिए के फॉर्म पर और हस्ताक्षर कार्ड पर हस्ताक्षर। फिर किसी भी खाताधारक और अधिकृत बैंक अधिकारियों द्वारा विविधित रूप से सत्यापित फोटोग्राफ की कम से कम दो प्रतियां। लूनेटिक समझ में आ गया, माइनर समझ में आ गया, अब है इलिटरेट पर्सन। ठीक है, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति। अब एक अनपढ़ व्यक्ति कौन होता है, जो अपने सिग्नेचर नहीं कर सकता। अनपढ़ व्यक्ति कब कहलाएगा, कि जो इंसान अपना सिग्नेचर नहीं कर सकता है। इन दैट केस जब बैंक इसके साथ अकाउंट कस्टमर का रिलेशन बनाती है, उस टाइम क्या होता है, उसके लेफ्ट थंब, कौन सा, ये वाला हिस्सा, इस वाले अंगूठे का निशान लिया जाता है, किसके प्रेजेंस में, तो एक बैंक ऑफिशियल के प्रेजेंस में। बैंक ऑफिशियल एक वहाँ मौजूद होगा, वो अपने सिग्नेचर करेगा, और ये जो पर्सन है जो इलिटरेट है, वो अपने थंब इम्प्रेशन देगा। स्पेसिमेन कॉपी एक कार्ड आता है, अगर देखा हो कि एक कार्ड होगा जिसमें आपके यहाँ नीचे नाम होंगे और तीन इम्प्रेशन लिए जाते हैं, कभी कभी दो ही लिए जाते हैं, और इवन इम्प्रेशन के अलावा भी इसी कार्ड पे आपका सिग्नेचर भी किया जा सकता है, कि भाई सिग्नेचर चेंज करने हो या वो करना हो, तो इस कार्ड पे वो चीज़ हो जाती है। तो यही है कि बैंक सबसे पहला काम क्या करेगा, उसके लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेगा, उसके बाद उसकी दो फोटोज़। क्यों, क्योंकि जब मैं को अगर उसमें लगाना होगा, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो किसी का भी हाथ का, आज मैं किसी को लेके गई हूँ, ले लगा दे, कल दो महीने बाद तीन महीने बाद उस बैंक पर्सन को वो थोड़ी पता है कि वही पर्सन है जिसका अकाउंट उसने खोला था। थंब इम्प्रेशन ज़रूरी नहीं है सबका एक सा हो, सबका सेम होता है। कभी कभी क्या होता है, मैच, क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं, ये थोड़ी देखते कि पहले उसको एनालाइज करेंगे, वो उस थंब इम्प्रेशन को लगाने के बाद उस पर्सन को उस एटलीस्ट दो फोटोज़ उसकी होनी ज़रूरी होती, प्लस एक आइडेंटिफिकेशन मार्क। ऐसा मार्क जो कि आपको क्या करे, वो फाइनलाइज करे कि हाँ ये वही पर्सन है। जैसे कि भाई मेरे यहाँ पे एक लगी हुई का निशान है जो हटता नहीं है, वो चीज़ हो सकती है,
किसी के गाल पे तिल है या कुछ भी है, हाथ पे कुछ लगा हुआ है, वो चीज़ क्या उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जाता है। तो जब ये तीन चीज़ें इजीली फुलफिल हो जाती है तब क्या होता है, बैंक क्या करता है, इलिटरेट पर्सन का क्या करता है, अकाउंट खोल सकता है। तो दैट मीन्स कि एक इलिटरेट पर्सन जो अनपढ़ है, जो सिग्नेचर नहीं कर सकता है, वो अकाउंट कब खोलेगा, जब उसका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लिया जाएगा, दो फोटोज लेंगे और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क उसमें लिखा जाएगा, उसके बाद बैंक ऑफिशियल साइन करेगा, फिर फाइनली क्या हो जाएगा, उस चीज़ को ठीक कर दिया जाएगा, मतलब उसका अकाउंट खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपको देखना है, मैरिड वुमेन। अ मैरिड वुमेन कैन एंटर इन टू हर पर्सनल बैंक बैंकर में कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइंड सेपरेट इंस्टेड देयरफॉर एन ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ मैरिड वुमेन। एक विवाहित महिला अपने व्यक्तिगत ए बैंक अनुबंध और बाय मतलब अलग संपत्ति के प्रवेश कर सकती है, इसलिए एक विवाहिता का नाम पर एक खाता खोला जा सकता है। इलिटरेट पर्सन हो गया, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है मैरिड वुमन, मतलब शादीशुदा औरतें। शादीशुदा औरतें का क्या सीन है, तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई शादीशुदा औरतें बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती हैं, शादीशुदा औरतें बैंक अकाउंट खोल सकती हैं। मैरिड वुमेन्स अपना खुद का पर्सनल अकाउंट, कौन सा पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाता खुद खोल सकती है। ऐसा नहीं कि भाई शादीशुदा हो गई तो वो अकाउंट जो है वो पर्सनल नहीं खोलेगी, वो उसके हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट खोलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब जब वो अकाउंट खोलती है तो वो पर्सनल अकाउंट खोल सकती है। ये इसमें इतना ही है कि भाई मैरिड वुमन के बारे में क्या है, तो एक मैरिड वुमन पर्सनल अकाउंट खोल सकती है बिना उसके हस्बैंड के, उसमें वो खुद ही नॉमिनी हो सकती है या उसके हस्बैंड को नॉमिनी बना सकती है, और वो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकती है। जॉइंट अकाउंट मीन्स मतलब जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या हो, ओनर हो, मतलब साथ में दोनों ओनर हो, कि भाई जब चेक पे साइन हो तो अगर वाइफ साइन नहीं कर रही तो हस्बैंड के नाम पे भी साइन हो जाएंगे, तो भी वो क्या होगा, वैलिड कहलाएगा। तो मैरिड वुमेन पर्सनल अकाउंट खोल सकती है और अपने ट्रांजेक्शन्स को पूरा कर सकती है, चाहे वो शादी करने के बाद हो। ठीक है, फिर ड्रंकर्ड मतलब शराबी। शराबी कौन होते हैं, शराबी कौन होते हैं, अ ड्रंकर्ड इज अ पर्सन हु इज टॉक्सिक टू बी इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड टू द ड्रंकर्ड पर्सन इज अ वॉइड। इट इज एडवाइजेबल फॉर द बैंकर टू नॉट अलाउ अ ड्रंकर टू स्टार्ट अकाउंट इन हिज नेम। मतलब शराबी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी रुचि के आधार पर अनुबंध की प्रकृति एक प्रभाव का समझने में असमर्थ होने के लिए इतना विकसित होता है। एक शराबी व्यक्ति एक के लिए दर्ज एक अनुबंध शून्य है, और बैंकर के लिए सलाह दी जाती है कि वह शराबी के नाम उसके नाम पे खाता शुरू करना करने दें। मैरिड वुमन हो गया, इलिटरेट पर्सन हो गया, माइनर हो गया, इसके बाद जो हमको नेक्स्ट देखना है वो कौन सा है, ड्रंकर्ड मतलब शराबी। शराबी के साथ कभी भी एक बैंक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका माइंड सेम इसमें और उसमें, एक लुनेटिक जो पागल है शराबी। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है,
ये दोनों के साथ बैंक अकाउंट नहीं खोलता, बस एक डिफरेंस ये है कि लुनेटिक जो होता है उसके साथ परमानेंटली अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, पर ड्रंकर जब वो होश में होता है, मतलब जब उसका माइंड, जब उसको पिया भी नहीं होता, उसको सब चीज़ों का होश होता है, तब क्या करता था बैंक उसके साथ अकाउंट खोल सकता है। बट उस टाइम क्या होता है, बैंक को ये चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि वो पिया हुआ ना हो। तो यही चीज़ है कि ड्रंकर के पर्सन के साथ कभी भी बैंक, जब वो ड्रंक स्टेट में हो या पिया हुआ हो, तो उस टाइम वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है। वो आफ्टर की भाई बैंक, जब वो पिया हुआ नहीं है, वो जो चीज़ वो कर रहा है वो सब होशो आवाज़ में कर रहा है, तब क्या होता है बैंक उसको अकाउंट खोल सकता है, वो चीज़ उसको कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखना है पारदर्शनी वुमेन्स, मतलब अ वुमेन इज अ लेडी हु रिमेन कंप्लीट सेक्लेशन एंड डज नॉट ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस विद द पर्सन अदर देन इज ओन फैमिली मेंबर। मतलब पारदर्शी महिला एक ऐसी महिला है जो पूरी तरह से एकांत में रहती हैं और अपना परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति के साथ व्यवसाय नहीं करती हैं। नॉर्मली नो करंट अकाउंट ओपन, आमतौर पर कोई चालू खाता नहीं खोला जाता है। हर सिग्नेचर इज अटेस्टेड बाई हर हस्बैंड इन केस ऑफ मैरिड वुमेन एंड नेचुरल गार्जियन इन केस ऑफ अनमैरिड गर्ल। अविवाहिता लड़की के मामले में विवाहिता महिला और के प्राकृतिक अभिभावक के मामले में पति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए ही उसका हस्ताक्षर लिया जाता है। हर फोटो एंड सिग्नेचर अटेस्टेड बाय हस्बैंड और बाय नेचुरल गार्जियन। उसकी तस्वीर और हस्ताक्षर पति या प्राकृतिक अभिभावक द्वारा सत्यापित है। जनरली बैंक शुड डिस्करेज टू ओपन अकाउंट्स इन हर नेम एज आइडेंटिटी कैन नॉट बी अनसर्टेन। मतलब आमतौर पर बैंक क्या करती है, उसके नाम पे नाम से खाता खोलने के लिए हतोत्साहित होती करने चाहिए, क्योंकि उसकी पहचान का पता नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली जो चीज़ें हैं, जो ये एक दो लेडीज़ हैं जिनका पूरा घूंघट है, तो आप उनका उस टाइम क्या होता है फेस नहीं देख पाते हो। तो उस टाइम वो वुमेन्स क्या होती हैं कि वो उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं। पारदर्शनी वुमेन्स कभी भी अकाउंट नहीं खोल सकती हैं, अपना अकाउंट खोल सकती हैं सॉरी, बट बैंक उसको बहुत रेयर चांसेस में खुलवाता है। अगर वो अकाउंट खोल रही हैं तो इन दैट केस क्या होगा कि उनके जो हस्बैंड होंगे, या फिर कोई गार्जियन जो उनको कह सके कि भाई हाँ ये इस लेडी, ये इसकी ही फ़ोटो है, उसको अटेस्टेड किया जा सकता है, वही चीज़ क्या होगी कि वो उस पारदर्शनी वुमेन को उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब उसका हस्बैंड या जो गार्जियन होता है उसको अटेस्टेड कर दे उसकी फ़ोटो पे, उसके सिग्नेचर्स पे, तो इन दैट केस तभी क्या होगा, एक पारदर्शनी वुमेन क्या है अपना अकाउंट खोल सकती है। अदरवाइज़ वो अपना अकाउंट नहीं खोल पाएगी, क्योंकि बैंक के पास क्या उसका कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि उसके पूरा चेहरा ढका हुआ होता है। ये सबसे मेन जो केस होता है ऐसे एरिया, जैसे जो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम वुमेन्स जो होती हैं वो क्या बुरखा पहन के जाती हैं, उस टाइम क्या होता है उनकी आइडेंटिटी आप रिवेल नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो अपना घूंघट या फिर उनका जो वो बुरखा होता है वो हटा नहीं सकते। इन दैट केस जो उनके हस्बैंड होते हैं वो इस चीज़ को फाइनलाइज करते कि भाई हाँ ये इसी का चेहरा है, वो उसको साइन करवा कर उसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आप जो लास्ट देखना है, इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होते हैं इंसॉल्वेंट व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी इन अ फुल एंड फेल टू पे हिज डेब्ट्स ही नोन एज इंसॉल्वेंट। जब कोई व्यक्ति अपनी देनदारियों को पूर्ण रूप से निर्वहन करने के सक्षम नहीं होता है या अपना ऋणों को भुगतान करने के विफल रहता है तो उसे देवालिया कहा जाता है। इंसॉल्वेंट अकाउंट शुड नॉट बी ओपन, नॉन मनी शुड बी एडवांस टू अन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। द ऑपरेशन इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन इज डिक्लेयर एज द इंसॉल्वेंट शुड बी स्टॉप्ड एंड अकाउंट शुड बी ऑपरेटेड बाय ऑफिशियल्स रिसीवर्स। मतलब दिवाली अकाउंट खाता नहीं खोल सकते, ना उसे पैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति को परिचालन बंद किया जा सकता है, खाता अधिकारी के रिसीवर द्वारा संचालित किया जा सकता है। इससे देखो ये 2% इंसॉल्वेंट है।
दिवालिया क्या होते हैं, जो इंसान क्या अपना पूरा पैसा वैसा उसका सब चला जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता है, तो वो पर्सन क्या होता है, दिवालिया या फिर इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। वो पर्सन कभी भी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्या होता है, वो बाय कोर्ट या बाय समथिंग एल्स वो क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट घोषित हो जाते हैं। तो बैंक भी क्या उनके साथ ट्रांजेक्शन बंद कर देता है, उसको लोन प्रोवाइड करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक अगर उसको लोन देता है तो इन दैट केस क्या होगा, बैंक उसको जब लोन देगा तो क्या होगा, उसके पास वापस रिटर्न में पेमेंट तो आना नहीं, क्योंकि पता है कि वो बंदा पेमेंट करेगा कहाँ से। कोई नया सेटअप भी करना चाह रहा है तो अगर उसका चलेगा कि नहीं चलेगा कोई भरोसा नहीं होता। तो इंसॉल्वेंट पर्सन जो होते हैं उसके साथ बैंक अकाउंट नहीं करता है, मतलब बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं और वो उसके साथ ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाते हैं। थैंक यू, ये आपके रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये टॉपिक का लिया है। और ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे और इस अकाउंट इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। थैंक यू।